बिलासपुर जिला के नैना देवी के बस्सी ब्लॉक के खट्टेवाल जंगलों में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया, जिसकी सूचना जंगल से गुजर रहे पशु चराहों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वन अरण्यपाल बिलासपुर RS पटियाल ने मामले की जानकारी देते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिकार की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। बिलासपुर जिला के नैना देवी के बस्सी ब्लॉक के खट्टेवाल जंगलों में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया, जिसकी सूचना जंगल से गुजर रहे पशु चराहों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वन अरण्यपाल बिलासपुर RS पटियाल ने मामले की जानकारी देते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिकार की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि बीते डेढ़ माह में वन जीवों की मौत का ये तीसरा मामला सामने आया है। हाँ, अब हमें सूचना मिली है कि ये जो हमारी नैना देवी रेंज है उसके बस्सी ब्लॉक में जो पशु चराने वाले लोग थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जंगल में खट्टेवाल जंगल है के उसमें एक तेंदुआ मरा हुआ पाया गया है। तो स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया है और उसको जो डेड बॉडी है वो ले आया है पोस्टमार्टम के लिए, और इसका पोस्टमार्टम करवा के फिर इसका जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और क्यों मरा है, कैसे मरा है, इसके ऊपर बाद में विचार किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि इसकी जो नेचुरल डेथ हुई हो या शिकार भी हुआ उसको, हो सकता है। तो शिकार यदि हुआ होगा तो उसकी FIR लॉन्च करवाई जाएगी और इसकी छानबीन करेगी।